know I came through. You know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. Nowadays I cannot lay low. I cannot lay low. Yeah, I cannot lay low. You know. So, hey guys, मैं आज आपको बताने वाला हूँ अगर मगर कंडीशन पाइथन में, जिसे हम कहते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। तो चलिए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। आज हम सीखने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। यहाँ पर मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ और मैं यहाँ से सबसे पहले अपना पाइचाम ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारा पाइचाम ऑन हो चुका है। अब सबसे पहले हम फाइल बना लेते हैं अपनी। फाइल यहाँ पर बनाने के लिए मैं न्यू पे आऊँगा। न्यू पे आके फाइल पे पाइथन फाइल पे क्लिक करेंगे। पाइथन फाइल पे ही हमसे पूछा इफ एल्स स्टेटमेंट की नाम की फाइल बना देते हैं। यहाँ पर एंटर किया गाइस, यहाँ पर हमारी नई फाइल बन चुकी है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर सिंटैक्स दूंगा और उसी के साथ मैं आपको यहाँ पर समझाता भी जाऊँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लिख लेता हूँ। वेरिएबल का नाम मैं दे देता हूँ कैम वन और यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा देता हूँ। इक्वल टू के बाद वेरिएबल हमारा पहला है उसको वैल्यू में डाल देता हूँ 54। 54 डालने बाद अब यहाँ पर एंटर दबा देते हैं। अब यहाँ पर दूसरा वेरिएबल डाल देते हैं कैम टू और इक्वल टू। इक्वल टू लगाने बाद गाइस यहाँ पर हमें एक यूज़र इनपुट चाहिए कैम टू में, लेकिन वो हमें इंटीजर में चाहिए और हम यहाँ पर सिर्फ इनपुट लिखेंगे तो वो एक स्ट्रिंग हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर इसके पहले इंट का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंट और ब्रैकेट लगा देता हूँ। ब्रैकेट लगाने के बाद अब यहाँ पर लिखूँगा मैं इनपुट। गाइस यहाँ पर मैंने इनपुट लिख दिया। इनपुट लगाने बाद मैं फिर ब्रैकेट लगाऊंगा। फिर ब्रैकेट लगाने बाद यहाँ से मैं बाहर आके एंटर दबा दूँगा। एंटर दबाने के बाद यहाँ पर मैं नीचे आ चुका हूँ गाइस। यहाँ पर अब मैं आपको बताऊंगा इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करना। गाइस यहाँ पर आप बस देखते जाइए, धीरे धीरे आपको इस वीडियो में ही समझ में आता जाएगा कि कैसे यूज़ किया मैंने इफ एल्स स्टेटमेंट का। यहाँ पर मैं नीचे अब आके लिखता हूँ इफ और यहाँ पर मैं लिखूँगा कैम टू ग्रेटर देन कैम वन और कोलन का साइन लगा दूंगा। गाइस यहाँ पर मैंने कोलन का साइन इसलिए लगाया है क्योंकि कोलन पाइथन में कोलन का मतलब होता है कि हम उस स्टेटमेंट के अंदर जाना चाहते हैं और स्टेटमेंट में जाने के लिए कोलन का यूज लगाते हैं। अब यहाँ से मैं एंटर दबा दूंगा। गाइस यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये इतना स्पेस क्यों दिया गया है। गाइस यहाँ पर कोलन लगाने के बाद जब भी हम यहाँ पर एंटर दबाएंगे तो ये अपने मन से ही एक टैब जितना स्पेस दे देगा। अब यहाँ पर गाइस यहाँ पर हम एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ PRINT प्रिंट और ब्रैकेट लगा के यहाँ पर मैं लिख देता हूँ This number is bigger than 54. This number is bigger than 54. Guys, यहाँ पर मैं अब बता रहा था कि मैं आपको पहले syntax दूंगा फिर आपको समझाऊंगा। अब यहाँ पर समझने की बारी आई। Guys, मैं यहाँ पर देखिए आपको बताना चाहता था कि cam1 एक variable है, cam2 भी एक variable है। cam1 में हमने एक नंबर डाल दिया है 54, इसके बाद हमने डाला है cam2। cam2 से हमने यूज़र इनपुट लिया है। यूज़र इनपुट मतलब जब यूज़र यूज़ करेगा तो उसे एक कोई नंबर का इनपुट देना पड़ेगा। जब वो देगा तो हमने इफ एल्स स्टेटमेंट को ऐसे यूज़ किया है यहाँ पर कि cam2 जब वो यूज़र इनपुट करेगा तो यहाँ पर एक बार ये जाएगा, पूरे को देखेगा, फिर उसमें ये देखेगा कि अगर cam1 से बड़ा है तो ये प्रिंट कर देगा दिस नंबर इज बिगर देन 54, क्योंकि cam1 में हमने लिख रखा है 54। अगर फिर इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ से एंटर दबा के नीचे आ गए। अब हम लिख देते हैं else। लिखने के बाद गाइस यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोलन। कोलन लगाने के बाद हम एंटर आ जाएंगे। इफ मतलब कि
कैम वन कैम टू से कैम वन अगर बड़ा है तो प्रिंट कर दो दिस, अगर नहीं है तो आप प्रिंट, यहाँ पर आप लिखेंगे प्रिंट और ब्रैकेट लगा के लिखेंगे दिस नंबर इज स्मॉलर देन 54, दिस नंबर इज स्मॉलर देन 54। सॉरी गाइज, यहाँ पर मैंने कॉलम नहीं लगाया था तो मैं यहाँ पर कॉलम लगा देता हूँ, दिस नंबर इज स्मॉलर देन 54। गाइस यहाँ पर अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ इसको। यहाँ पर रन करने के लिए मैं कहीं भी यहाँ पर क्लिक करके राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर रन का ऑप्शन आ गया, यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना है। गाइस यहाँ पर अब हमसे पूछने लगा कि आपको यहाँ पर यूज़र इनपुट चाहिए, तो यूज़र इनपुट में मैं कोई भी नंबर अगर 54 से बड़ा डालूँगा तो देखिए ये क्या हमें 66 मैंने डाल दिया। अब एंटर का बटन दबाऊंगा कि ये देखिए गाइस दिस नंबर इज बिगर देन 54, जो मैंने आपको बताने की कोशिश कर रहा था वही ये आया कि हमारे पास ये अगर स्टेटमेंट लिखा हुआ है कैम टू जो यूज़र ने इनपुट दिया वो अगर कैम वन जो हमने नंबर डाला उससे अगर ये बड़ा हुआ तो ये प्रिंट करेगा दिस नंबर इज बिगर देन 54, नहीं तो दिस नंबर इज स्मॉलर देन 54। गाइज यहाँ पर इसका मतलब इफ एल्स स्टेटमेंट का बेसिकली ये यूज होता है कि अगर यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही है तो ये प्रिंट कर दो, नहीं तो आप दूसरी चीज प्रिंट कर दो। गाइज मैं अब आपको 54 से छोटा नंबर रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मुझे दोबारा रन कराना पड़ेगा अपने प्रोग्राम को, मैंने रन करा दिया। अब मैं यहाँ पर आपको कोई भी 54 से छोटा नंबर रन करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 34 और एंटर दबा देता हूँ। देखिए गाइज यहाँ पर आ चुका है दिस नंबर इज स्मॉलर देन 54। इसका मतलब ये हुआ गाइज कि अगर ये पूरा स्टेटमेंट चेक करेगा एक बार कि इफ वाला स्टेटमेंट अगर ट्रू हुआ तो ये उसको प्रिंट कर देगा, अगर फाल्स हुआ तो ये फिर नीचे जाएगा, फिर ये इसके बाद एल्स स्टेटमेंट को पढ़ेगा, अगर एल्स स्टेटमेंट सही हुआ तो फिर ये एल्स स्टेटमेंट को सही कर देगा। अब बात रही गाइस यहाँ पर मैंने 54 से बड़ा नंबर के लिए बता दिए या तो छोटा नंबर के लिए। अब आप सोच रहे होंगे अगर मैंने 54 ही प्रिंट कर दिया तो क्या होगा, तो गाइस मैं उसके लिए भी बताता हूँ। यहाँ पर इफ और एल्स के अलावा एक और होता है जो इन दोनों का बीच का होता है, उसको कहते हैं हम एलिफ स्टेटमेंट। एलिफ स्टेटमेंट को भी मैं यूज करके बताता हूँ आपको। यहाँ पर मैं एलिफ स्टेटमेंट हमेशा इफ और एल्स के बीच में यूज होता है, तो गाइस मैं यहाँ पर इफ के नीचे आ जाता हूँ, इफ प्रिंट इन इफ स्टेटमेंट का प्रिंट नीचे, यहाँ पर मैं बैक आके एलिफ लिख देता हूँ। यहाँ से एलिफ ऐसा लिया गया है कि एल्स का ई एल लिया गया और इफ का आई एफ ले लिया गया, तो एलिफ इससे बना है। मैं यहाँ पर एलिफ लिख देता हूँ, गाइज मैंने यहाँ पर एलिफ लिख दिया। अब यहाँ पर मैं एलिफ के आगे जो भी मुझे लिखना है, जो भी मुझे कंडीशन देनी है वो मैं दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पर कंडीशन एक दे देता हूँ कि अगर कैम टू कैम वन के बराबर हुआ, तो गाइज यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जब भी हमें इक्वल टू का साइन लगाना होता है तो कभी भी हम सिंगल इक्वल टू नहीं लगाते, डबल इक्वल टू लगाते, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा गाइज। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैम वन और यहाँ से कोलन लगा, कोलन लगाने के बाद हम इस स्टेटमेंट के अंदर आ जाते हैं और एंटर दबा देता हूँ, ये अपने आप ही एक टैब दे देगा। अब यहाँ पर जो भी हमें स्टेटमेंट प्रिंट कराना वो मैं प्रिंट करा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, मैं लिख देता हूँ दिस नंबर इज इक्वल 54। तो गाइज यहाँ पर मैंने अपना प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया। अब मैं आपको ये प्रिंट स्टेटमेंट को एलिफ को
रन करके दिखाता हूँ। गाइज मैं यहाँ पर रन कर दिया है और यहाँ पर पूछ रहा है अपना यूजर इनपुट दिए। गाइज मैं अब सेम नंबर लिखूंगा, यहाँ पर मैं ले लिया 54 और इक्वल टू। गाइज यहाँ पर देखिए ये आ चुका है, दिस नंबर इज इक्वल टू 54। गाइज तो आपको अब समझ में आया कि मैंने इफ एलिफ और एल्स को कैसे यूज किया है। गाइज अगर आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए और धीरे धीरे ये सारी चीजें पाइथन की समझ में आने लगेंगी आपको। गाइज मैं अब आपको एक और भी अच्छी सी चीज यूज करना सिखाता हूँ, इन कीवर्ड को। इन कीवर्ड को यूज करना है तो मैं आपको एक सबसे पहले इन सारी चीजों को मैं कॉमेंट आउट कर देता हूँ। कॉमेंट आउट, गाइज यहाँ पर मैंने सारी चीजें कॉमेंट आउट कर दी हैं क्योंकि मैं आपको सारा कोड देना चाहता हूँ। वैसे मैं अपने सारे कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देता हूँ। अब मैं आपको इन कीवर्ड और नॉट इन कीवर्ड को यूज करना बताऊंगा। उसके लिए मैं इस बार मैं आपको लिस्ट की मदद से बताऊंगा। तो मैं यहाँ पर लिस्ट लिख देता हूँ, लिस्ट का कुछ नाम दे देता हूँ। जैसे मैंने दे दिया लिस्ट का नाम अंशुल, मैं लिस्ट का नाम दे दिया। अब मैं लिस्ट के एलिमेंट डाल दूंगा, लिस्ट में मैं कुछ नंबर डाल देता हूँ जैसे कि 5, 6, 7। मैंने यहाँ लिस्ट के एलिमेंट डाल दिया। अब मैं नीचे आ जाता हूँ इंटर मार के। अब मैं यहाँ पर गाइस मैं कुछ प्रिंट करना चाहूँगा। प्रिंट से पहले सॉरी मैं इसमें इफ वाला स्टेटमेंट डाल, मैं यहाँ पर इफ स्टेटमेंट का यूज करूंगा। इफ लिख के अब मैं जो भी अपनी कंडीशन रखना चाहता हूँ वो लिख देता हूँ। अब मैं कहता हूँ इफ, अब मैं आपको इन कीवर्ड का यूज करना सिखा रहा हूँ तो मैं पहले आपको यूज करना बताता हूँ कैसे यूज करना उसे इफ स्टेटमेंट के साथ। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 5 इन लिस्ट, लिस्ट हमारी क्या है अंशुल, कोलन लगा देंगे। कोलन लगाने के बाद हम नीचे आ जाएंगे इसके अंदर स्टेटमेंट। अब हम कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। अब हम जैसे प्रिंट कराना चाहते हैं कि यस प्रिंट करो। गाइस मैं आपको यहां पर रन करके भी दिखाता हूं प्रोग्राम को। ये देखिए मैंने रन करा, गाइस ये देखिए ये अब हमें कहना चाहता है कि इफ 5 इन लिस्ट, लिस्ट का नाम है हमारे अंशुल, अगर हमारी लिस्ट में 5 है तो प्रिंट कर दो यस। और अब मैं नॉट इन का भी यूज करना सिखाता हूँ आपको। जैसे कि मैं आपको नॉट इन के लिए गाइस कुछ नहीं करना पड़ता, बस यहाँ पर सिंपली इन के आगे नॉट लिख दीजिए आप और यहाँ पर रन करके देख लीजिए। गाइस देखिए यहाँ पर हमारा कुछ नहीं लिख के आया। आपको मैं यहाँ पर एक और चीज बता देता हूँ, यहाँ पर मैं else का, else स्टेटमेंट का भी यूज कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिख दूंगा else और यहाँ पर भी कुछ कोलन लगा के प्रिंट लिख दूंगा कि आप प्रिंट कर दीजिए नो। गाइस मैंने यहाँ पर लिख दिया नॉट, नो लिख दिया। अब यहाँ पर मैं आपको रन करके बताता हूँ। गाइस ये देखिए अगर 5 नहीं है हमारी लिस्ट में तो वो प्रिंट करेगा यस, अगर है तो नो प्रिंट कर देगा। गाइस आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी और आपको सोर्स कोड चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर सकते हैं। गाइस प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कॉमेंट भी करिए उसमें। थैंक यू वेरी मच।